हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में थंडरबर्ड वीपीएन ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि थंडरबर्ड वीपीएन ऐप कैसे यूज़ करते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो देखने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो गाइस, आपको इस ऐप को यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में आपको जाकर यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है बर्ड ऐप। तो गाइज, मैं यहाँ पर बर्ड ऐप को मैंने सर्च कर दिया है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर थंडर बर्ड वीपीएन को सर्च करते ही हमारे सामने ये ऐप आ गई है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने से पहले आप इसके रिव्यूज़ रेटेड देख सकते हैं। 4.1 इसको स्टार मिले हुए हैं, 57 KB इसकी रिव्यूज़ है, 3+ रेटेड है और 1 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। आप भी डाउनलोड कर दीजिए, फिर आपको इसे ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन कर दिया, फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर लोडिंग होगा और लोडिंग पूरा होने के बाद आपका यहाँ पर थंडरबर्ड वीपीएन ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर टैप टू कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, फिर आपको ऑलवेज अलाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑलवेज अलाउ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है। ये कनेक्टिंग पूरी होने के बाद आपका है जो थंडरबर्ड वीपीएन में वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन वगैरह देख सकते हो, यूएस न्यूयॉर्क 92 इसकी लोकेशन मैंने सेलेक्ट हुई है। आप इसमें बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क को आसानी से यूज़ करके डाटा यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसकी चेक हेल्पर पर आप इसकी क्लिक करके आप इसकी चेक हेल्पर ले सकते हो, हेल्प वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर एरिया, सिटी, लैंडमार्क, लेटिट्यूड आपको यहाँ पर सारा देखने को मिल जाएगा। फिर आपको बैक चले जाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक तो मैंने चेक कर दिया है, एक आपको इंटरनेट चेक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपने इंटरनेट की स्पीड भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग पूरा होने के बाद इंटरनेट की स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो पिंग, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी मैंने नेटवर्क स्पीड मैंने टेस्ट कर दी है। फिर आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके आप लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत सारी लोकेशन देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी कंट्री है तो देखने को मिल जाएगी। आप कौन सी कंट्री के वीपीएन को कनेक्ट करना चाहते हो उस कंट्री को ऐसे सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसको वीपीएन को डिसकनेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके आप वीपीएन को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। डिसकनेक्ट करने के बाद आप बैक चले जाते हैं। फिर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसके रिलेटेड इस ऐप को शेयर करना चाहते हो, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो और प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि थंडरबर्ड वीपीएन ऐप अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप ऐसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।